tú en una tablet donde era la gente como ahora la salida para ver el mejite उसने कहा कि इस वीडियो में कैसे कमाल की आप लोगों को एडिटिंग बताने वाले हैं बहुत ही अच्छी एडिटिंग है इसे आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कौन सी एडिटिंग है चलो स्टार्ट करते हैं एडिटिंग ये है कि आप किसी भी सॉन्ग में अपना जो चित्र है वो कैसे ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत है वीडियो को क्लिक करके आप जरूर देखें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो आप ये एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है टाइम मास्टर और आप पाइन वाटर कर सकते हैं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर जाकर तो भाई जैसा आप लोग देख पा रहे हैं हमने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है अब काइन मास्टर को ओपन करने के बाद हमें ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एम्प्टी ब्राउजर पर क्लिक कर देना है तो एम्प्टी ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा तो अब आपको सबसे पहले मीडिया ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है तो जैसा कि आप हम देख पा रहे हैं कि हमने मीडिया ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है अब यहां से आपको कोई बैकग्राउंड ले लेना है जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं हम अभी अपने फ़ोन से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं इस तरीके से मैंने ये वाला बैकग्राउंड यहाँ से ले लिया है और यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है तो आपको इस तरीके से इसे बड़ा कर लेना है और आपको अब जिस वीडियो में अपना फोटो ये चित्र ऐड करना है वो यहाँ पर आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेना है तो आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें एक यहाँ से मैं वीडियो ले लेता हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल मत ही करना नहीं तो कोई भी टॉपिक आप इसमें का समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ से मैं वीडियो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर लेना है और चेक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तभी आप इसमें अपना चित्र ऐड कर पाएंगे अगर चित्र ऐड करने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को एक वीडियो शूट करना होगा जिससे आप इसमें चित्र ऐड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो पड़ा हुआ है तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं तो फिर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और वीडियो में जाते हैं और यहां से देखते हैं एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं हम ये वाले ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ से आसानी से इसे सेट कर लेते हैं इस तरीके से चेक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और एक बार वीडियो पर क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहां से इसे ऑन कर देंगे और चेक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे अब यहां से आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं कि वीडियो में जो चित्र है वो ऐड हुआ है या नहीं तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूं आप लोगों को तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चित्र ग्रीन स्क्रीन वीडियो वाला था वो आसानी से ऐड हो चुका है आपको इसी तरीके से अपने वीडियो में चित्र अपना ऐड कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो की मदद से तो इस तरीके से आपको वीडियो में चित्र ऐड करना है तो इसी तरीके से आप काफ़ी अच्छी काइन मास्टर से एडिटिंग कर सकते हैं तो आप काइन मास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर नए हों तो एक बार बेल जरूर बजाना और वीडियो को लाइक तो जरूर कर लेना।